दिल्ली नगर निगम की सितंबर महीने की बैठक शुरू होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप की झड़ी शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही पार्षद मोहिनी बेनवाल ने जहां रमेश बेथुड़ी के बयान पर निंदा प्रस्ताव रखा, वहीं दूसरी ओर प्रतिपक्ष नेता राजा इकबाल ने महापौर शैली ओबेरॉय के द्वारा बीते सोमवार को जनकपुरी दक्षिणी वार्ड के निरीक्षक यशपाल के निलंबन का उदाहरण देते हुए सफाई कर्मचारी के ऊपर हो रहे शोषण का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया। देखिए दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा इंडियन स्वच्छता सीजन 2 का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वयंसेवी सफाई अभियान, साथ ही 17 सितंबर को स्वच्छता रैली के साथ नुक्कड़ नाटक और प्लग का कार्यक्रम, 18 से 25 सितंबर को सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के साथ निशुल्क स्वास्थ्य की जांच, 1 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता दिवस और 2 अक्टूबर को SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ पर्यावरण मित्र के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नगर पालिका परिषद मसूरी एमसीडी सिविक सेंटर में एक बार फिर से हाउस मीटिंग, यहाँ जो है सत्र शुरू हो जाता है, हाउस मीटिंग रखी जाती है, जिसमें शुरुआत की यदि बात की जाए तो आरंभ में ही इसमें खासा हमें घमासान देखने के लिए मिला। तो प्रतिपक्ष नेता राजा इकबाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनके साथ बात करेंगे। शुरुआत से ही मैंने घमासान देखा, क्या कारण हो सकता है? जो आज हाउस शुरू हुआ तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसे हमें लगा कि आम आदमी पार्टी की इंटेंशन भी हाउस चलाने की नहीं है, तो हमने उसका विरोध किया कि हम ये चाहते थे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हाउस के अंदर समय बर्बाद ना करके जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज्यूरिडिक्शन के अंदर हैं और जिसका सोल्यूशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी कर सकते हैं, उन्हीं मुद्दों को हमें हाउस में लाना चाहिए और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या राष्ट्रीय कोई बात है उसको राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ देनी चाहिए। इसलिए जो हमारे जो पार्षदों ने इसका विरोध किया, वो बाद में मेयर साहिबा ने इस बात को स्वीकार किया और ये माना कि जो गलती हो गई है तो आगे से गलती नहीं होगी। प्रस्तावों की यदि बात कर लें तो 8 प्रस्ताव पास कर दिए जाते हैं, 2 रुक जाते हैं, क्या कहेंगे सर? देखो, ये जो आम आदमी पार्टी की नीति है ये शुरू से ही जन विरोधी नीति है। ये चाह रहे थे कि जो दिल्ली में हमारे नक्शे पास होते हैं उसके ऊपर कुछ सरचार्ज, कोई एडिशनल चार्ज लगाया जाए, जो इन्होंने रेगुलेटरी चार्ज के नाम पर उसका नाम रखा। ये हमें जैसे ही एजेंडा हमारे पास आया, हमने पढ़ा कि जनता का एक तरह से ये खून चूसा जा रहा है और इसी पैसे को ये अपनी सैलरी के रूप में लेना चाह रहे हैं। हमने इसका विरोध किया और हमारे विरोध की वजह से हमने कल ये मीडिया में दे दिया कि हम इसका विरोध करेंगे और किसी भी ऐसे एजेंडे को हम पास नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से ये 2 जो हमारे एजेंडे थे ये पोस्टपोन कर दिए गए। सर, नेता सदन मुकेश गोयल की बात करें तो उनके द्वारा एक बात रखी जाती है कि G20 को लेकर जो है ये आंकड़े छुपाए गए थे उस समय पर, यदि डेंगू और मलेरिया के आंकड़ों की बात की जाए तो उसके लिए एक G20 का हवाला दिया गया कि निगम के किसी अधिकारी के द्वारा ये कहा गया था, हालांकि नाम को जो है रिवील नहीं किया गया, क्या इस मुद्दे पर आप कहेंगे? देखो, हमें तो ये मालूम है कि निगम पूरी तरह से फेल होगी डेंगू मलेरिया के मामले में और इनके फेल होने की वजह से जनता को बहुत नुकसान हुआ है, कई घरों में डेथ हो गई और डेंगू मलेरिया का जो बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ। जब हमने अधिकारियों से पूछा कि आपके पास तो मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं थी और आप डेटा परचेज दिखाइए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ था। इन्होंने हमारे जो कर्मचारी हैं DBC कर्मचारी, 30 DBC कर्मचारियों को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, जिसकी वजह से वो मॉरली वो बहुत डाउन थे, मेडिसिन थी नहीं और किसी भी तरह का जो ये महामारी है, एक तरह की जो सीजनल जो ये बीमारी है, तो इसकी रोकथाम ढंग से नहीं हुई और इसी चीज़ को ये छुपा रहे थे। अपनी गलतियों का इनको एहसास था, उसको ये कंसील कर रहे थे और ये नहीं चाह रहे थे कि किसी तरह से जनता में कि कोई मैसेज जाए। सर, कहीं ना कहीं मैंने देखा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद आपस में, महिलाओं की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं महिला विंग युद्ध मेरे को यहाँ देखने के लिए, मैं कहूँगी इस पर अगर कम शब्दों में कहूँ तो ये महिला विंग युद्ध मुझे कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला, क्या आपको इसका कारण क्या लग रहा है? मैंने शुरू से यही सवाल आपसे लिया, इसका महत्वपूर्ण कारण आपको मुद्दा क्या लगा, कारण क्या लगा इसका? देखो, जो हमारी बहनें होती हैं ये बहुत इमोशनल होती हैं क्योंकि जब जनता इनसे क्वेश्चन बनती है, पूछती है, क्योंकि इलाकों में काम नहीं हो रहा किसी भी तरह से, जैसे स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी हुई, वार्ड कमेटी नहीं बनी हुई, जब बहनें क्षेत्र के अंदर जाती हैं तो काम
नहीं होता और जनता की बातें सुननी पड़ती, तो उन्हीं का वो गुस्सा हाउस में आता है, और जब हम हाउस चलने देते हैं हमारी इंटेंशन ख़राब होती है तो बहनों को नेचुरली गुस्सा तो आएगा ही। बिल्कुल, डिप्टी मेयर का कहना था कि खुद आपका मानना है कि यदि मेयर की बात की जाए तो वो ज़मीनी स्तर पर जाकर कार्य कर रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो उन्होंने, मुझे लगता है कि पूरी बात ही नहीं मेरी सुनी। मैंने कहा अगर जिस भी दिन वो जाएंगी वो किसी ना किसी सफाई कर्मचारी का शोषण करेंगी, सफाई कर्मचारी को सस्पेंड करेंगी, मेयर साहिबा को कोई भी अवैध बिल्डिंग नज़र नहीं आती, मेयर साहिबा को कोई भी सड़क टूटी हुई नज़र नहीं आती, मेयर साहिबा को कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है पार्किंग के जो माफिया है वो नज़र नहीं आते, कोई अधिकारी नज़र नहीं आता, कोई बड़े अधिकारी नज़र नहीं आते, कोई इनको IAS अफसर नज़र नहीं आते, इनको केवल केवल एक जो शोषित जो लोग हैं सफाई कर्मचारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो नज़र आते हैं। क्या आप सोचते हैं कि दिल्ली के अंदर जो भी कूड़ा है वो हमारे सफाई कर्मचारी, उसमें सारी भूमिका उन्हीं की है? किसी भी वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारियों के नंबर पूरे नहीं हैं, वो बेचारे एक एक कर्मचारी तीन तीन कर्मचारियों का काम कर रहे हैं, मगर उनको रिवार्ड देने की बजाय आप उनको बोलने से भी रोक रहे हैं। आपने हिंदू राव के अंदर 11 दिन की स्ट्राइक के पैसे काट लिए, गरीबों की अगर आप तनख्वाह रोकेंगे तो आपको बददुआ लगेगी। समय देने के धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे प्रतिपक्ष नेता राजा इकबाल को, जो कि बता रहे थे किस तरह से आज की सदन मीटिंग के दौरान इस तरह तमाम तरह की कार्रवाई के बीच में महापौर के द्वारा बीच में किस तरह की बातें की जाती हैं, और साथ में कुछ मुद्दे जो कि रह जाते हैं उन अधूरों मुद्दों के बीच में इस हाउस मीटिंग को पूरा कर लिया जाता है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।